सोलन के परमाणु में कोलकाता की जानी मानी कंपनी खेतान पर ठगी के आरोप लगे हैं, जिसमें शिकायतकर्ता आशीष नागपाल ने परमाणु थाने में कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता के अनुसार खेतान कंपनी को प्रेस और हीटर बनाकर देता था। कुछ समय से कंपनी ने उन्हें भुगतान करना बंद कर दिया है और करीब 1 करोड़ की पेमेंट मांगने पर उद्योग प्रबंधन टाल मटोल कर रहा है। आशीष ने कंपनी के एमडी पर आरोप लगाया है कि कंपनी से बकाया भुगतान मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है और कंपनी का एमडी दस्तावेज में हेरा फेरी कर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा कि परमाणु पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, जिसमें आशीष नागपाल ने खेतान कंपनी पर आरोप लगाया है कि कंपनी उसका करीबन 1 करोड़ का भुगतान नहीं कर रही है। इस शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। परमाणु में हमारे पास पिछले कल मिस्टर आशीष नागपाल हैं, जो कि एमएस कृष्णा इंटरनेशनल कंपनी है, उसके प्रोपराइटर हैं। इन्होंने हमें कंप्लेंट किया था कि ये इलेक्ट्रिकल जो सामान है उसको सप्लाई करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया में। तो इसी कड़ी में इन्होंने कुछ सामान जो है मिस्टर सुनील खेतान, जो एमडी हैं खेतान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता के, उनको कुछ मटेरियल इन्होंने सप्लाई किया था, जिन्होंने कि धोखाधड़ी से इनके साथ कुछ जो सामान वापस किया, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रेसें जो खराब हुई, जो इनका एक पॉलिसी होती है कंपनी की कि उसको रिप्लेस किया जाएगा, कुछ प्रेसें ऐसे दी जो वारंटी पीरियड में नहीं थी। तो इस तरह से इनको टोटल जो है लगभग 1 करोड़ का लॉस उन्होंने किया है। इस पर इन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी। इस पर पुलिस ने जो है 420, 406 और 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है।